रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए ऑन कर दिया है कि बाद में आप इसको देख सकें। तो बस आप लोगों को समझाना है कि इस बाजार में आपको ट्रेड कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, और आपका माइंड कैसे चेंज हो जाता है और कहां पे चेंज होता है, बाजार का काम करने का तरीका क्या है, इन सब चीजों को हम आज जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, शायद आप लोगों में काफी एक्सपीरियंस बहुत से लोग होंगे और कुछ नए भी होंगे। एक चीज, आज से हम चलते हैं 6 मंथ बैक, 6 to 7 मंथ बैक जाए, रिवाइंड करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि देखिए काफी इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। हो सकता है आपको लगेगा कि सर कोई स्ट्रेटजी बता दीजिए, कोई ये बता दीजिए। सर आप बहुत सारे स्ट्रेटजी जानते हैं, बहुत सारी चीजें जानते हैं, ऐसा नहीं आप नहीं जानते। लॉट ऑफ चीजें गूगल पे अवेलेबल है, मैंने भी काफी कुछ बताई, कुछ लोग मुझसे पर्सनल सीखे भी होंगे, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट भी होंगे। बात इस चीज को समझिए कि प्रॉब्लम फिर कहाँ है। प्रॉब्लम है सबसे बड़ा इमोशन, क्योंकि आप ये मानकर चलिए कि जो ट्रेडिंग है वो 90% इमोशन और 10% आपका स्किल, अदर चीज है ही नहीं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा मैं प्राइस एक्शन सर आप नहीं बताते, आप इंडिकेटर बता देते हो। इंडिकेटर तो या तो लैगिंग होते हैं या लीडिंग होते हैं, प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है। तो मैं बस आपसे सवाल करूंगा कि अगर सच में प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है तो जितनी ये बाजार गिरी 1600 पॉइंट, इस समय तो आपको करोड़पति होना चाहिए। 1600 पॉइंट करोड़पति बनाने के लिए इनफ है कि इंसान को, क्यों नहीं हो पाए? मैं सबकी बात कर रहा हूं, अपनी आपकी सबकी बात कर रहा हूं। लॉजिक जानते हैं क्या है? ये प्राइस जो बनता है वो तो प्रत्येक व्यक्ति के इमोशन से मिलके बनता है। एक छोटा पैसा, एक बड़ा पैसा, कोई शॉर्ट टर्म के लिए आया है, कोई 2 दिन के लिए आया है, कोई स्कैल्पिंग करने आया है, कोई इंजन वाला बनने आया है, कोई ऑप्शन का सेलर है, बायर है, हर किसी का एक इमोशन, मुझे ये करना है, यहाँ पैसा मैं 10,000 डालूंगा, मुझे करना है, मुझे 2 करोड़ डालना है, मतलब हर किसी का अलग अलग चीजें है। तो जो प्राइस की स्ट्रक्चर होती है इमोशन से बनती, अब जहां इमोशन से जो प्राइस बना हो उस प्राइस को अगर आप ट्रेड करने जाओ तो वहां आपका इमोशन आपके आ गया है। आप देखते होंगे कि आप लाइफ में अगर कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस कर लें, व्हाटएवर, स्टॉक मार्केट छोड़कर, आपको उसमें इमोशन नहीं आएगा, आपने नोटिस किया है? बट इसमें जब आप आएंगे तो आपको इमोशन आएगा, लूज ना करने का भय, 100% होली ग्रेल चाहिए, लॉस करना ही नहीं है, हो रहा हो तो तुरंत भाग जाना, फिर वो प्रॉफिट में आ जाए, फिर अपने आप से सवाल करना, फिर ऊपर में एंटर लेना, हायर में फिर लोअर में बेचना, सब है क्या? इमोशन है, मार्केट क्लोज हो जाती है, इमोशन क्लोज हो जाती है, आपको हर चीज फिर से दिखने लगता है, आपको अपनी गलतियां दिख जाती है। आपको इन सब चीजों को समझना हो तो कैसे समझे? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, इसे हम कैसे समझेंगे और कैसे इसको इम्प्लांट करेंगे, क्योंकि आप जानते तो बहुत कुछ है, ये हिलेगा मिलेगा है, ये मूविंग एवरेज है, ये है, बट करते कितनी बार, और करते हैं तो जो करना चाहिए वो क्यों नहीं करते हैं? मैं अक्सर कहता हूं अपने स्टूडेंट लोगों को भी कि बिजनेस इन ऑल मास्टर इवन, मैं कह के थक गया, मेरे से तो किसी ने नहीं समझा। मतलब मार्केट डायनेमिक्स है, ये बदलता रहेगा, चेंज होता रहेगा, तो मार्केट जिस समय जैसे चेंज हो उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटजी को हम इम्प्लांट करेंगे, इसके लिए तो आपको सब कुछ जानना होगा ना। अगर आप सिर्फ ऑप्शन के सेलर हो और आप वही कर रहे हो, विक्स हायर होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आप मारे नहीं जाओ, कहीं ना कहीं फंसोगे। आप कहोगे सर मैं अपोजिट डायरेक्शन का सेल, आप अपोजिट डायरेक्शन सेल कर ही नहीं सकते हो, ट्राई करके देखो ना, 2-4 बार करेंगे विक्स बढ़ेगा, उसको एडजस्ट करने जाएंगे, एक बार फंस गए काम। हमारा माइंड ऐसा नहीं बना है, यही कारण है कि इस प्रोफेशन में आकर 90 to 95% पीपल फेलियर होते हैं, फेल कर जाते हैं। जो पास करते हैं उनको काफी वक्त लगता है, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल का वक्त लगता है। वो लोग होते हैं जो जीवट किस्म के होते हैं, हार नहीं मानने वाले होते हैं, वो लगे रहते हैं कि नहीं मुझे जानना है कि मैंने गलती कहा, वो गलतियों से सीखते हैं। स्टार्टिंग में उनको बड़ा पैसा नहीं बनाना होता है, स्टार्टिंग में उनका सारा फोकस होता है मुझे लर्न करना है,
इस बाजार को समझना है, जानना है, अडॉप्ट करना है, धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी कीजिए। चलिए हम आज की बाजार की चर्चा करते हैं, नहीं तो कहानियों में चला जाएगा काफी वक्त, मैं फिर कभी कर लूंगा। गुस्सा है इसलिए आप लोगों को कहा, गुस्सा इसलिए है कि मैंने बहुत कुछ बता रखी है आप लोगों को, बट कुछ नालायक स्टूडेंट होते हैं वो मानते नहीं, उनको बताने के बाद भी। एक चीज याद कीजिए, बेबी ट्रैप मैंने बताया आप लोगों को, आप कहेंगे हाँ सर बनने के बाद तो दिखता है, जब बनता है तो नहीं दिखता, ठीक है। 18,500 पे जब बाजार थी, मैंने टेलीग्राम पर जाकर क्लियरली कहा था कि पोजिशनल एसएल 18,602। आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने फॉलो किया, नहीं किया, और जो किए होंगे वो जान रहे। हो गया पहला चीज मुझे मिल गया कि पोजिशनल एसएल। काफी दिनों के बाद मैंने, मुझे लगता है कि 6-7 महीने के बाद मैंने कोई पोजिशनल एसएल दिया था शॉर्ट साइड में, और लक्ष्मण रेखा वर्ड का यूज किया। आप लोग भी कर सकते हैं, अगर आप करेंगे मुझे ज्यादा खुशी होता। क्यों किया था मैं बताऊंगा अभी, क्या क्या हुई वो भी मैं बताऊंगा। तो ऐसे बाजार में कौन सी स्ट्रेटजी काम कर, ऐसे बाजार में आप क्या ट्रेड कर सकते। तो मैं बता दूं, जब विक्स राइजिंग स्टेट में होती है, जब बढ़ता रहता है, तो वहां मात्र 3 तरह के ट्रेड आपको करनी चाहिए, चौथी ट्रेड मत कीजिए। अगर आपको अपने पैसे से प्यार है तो मत कीजिए, कोई भी स्ट्रेटजी बंद कर दीजिए ऐसी मार्केट में। मात्र 3 स्ट्रेटजी यूज करते हैं अगर आप एफएनओ में काम करते हैं। पहला, फ्यूचर की हेजिंग, ट्रेंड साइड। अब ये मत कहना कोई कि सर मुझे सी दिख रहा है, मुझे सपोर्ट दिख रहा है। लूजिंग मार्केट का कोई सपोर्ट नहीं होता है, सिर्फ एवरेज छोड़कर और एवीएफ छोड़कर, और राइजिंग मार्केट का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। अगर वो सारे रेजिस्टेंस प्रीवियस तोड़ चुका है तो, जैसा कि निफ्टी में इस बार हुआ था 12,400, ये रूल है, इसको माइंड में रख लेना है। मार्केट गिरना शुरू हो गया तो आपको पहला फ्यूचर की हेजिंग, दूसरा जिस साइड में ट्रेंड है उसका स्प्रेड, और जब आपकी पोजिशनल एसएल उड़ जाए, खत्म हो जाए, तभी हम उस स्प्रेड को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, होल्ड करके रखेंगे। और जब भी स्प्रेड बनाएंगे तो मंथली एक्सपायरी में बनाएंगे, ना कि वीकली में बनाएंगे। क्यों मंथली में बनाएंगे? क्योंकि हमारे पास 30 डेज होगा, 20 डेज होगा, 15 डेज होगा, दो चीजें हो गई। तीसरी क्या होनी चाहिए ट्रेड करने के लिए इस बाजार में? एक तो फ्यूचर की है, दूसरी स्प्रेड। नेकेट में बात नहीं कर रहा हूं, नेकेट आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पर रिस्क ले सकते हैं, आपके ऊपर बहुत सी चीजें आप जानते हैं, मैं नेकेट की बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप जाएंगे, आप भरा पैसा उस पर नहीं लगा सकते, और लगा के 2-4 बार बना भी लिए तो तीसरी बार फंस जाएंगे, आप उस पर डिपेंडेबल नहीं होगे, उससे आपके घर के खर्च नहीं चलने वाले, ठीक है। तो ये हो गई दो चीजें, तीसरी क्या होनी चाहिए? तीसरी भी तो कोई स्ट्रेटजी होगी। एक तो फ्यूचर की हेज होती है, एक आपका स्प्रेड होता है, तीसरा ऐसी मार्केट में सी और पी दोनों को बाय करते हैं, कॉल और पुट दोनों को बाय करते हैं। कब? जब वीक्स इंट्राडे में राइज होने की कंडीशन में। चलिए आते हैं, सी पी दोनों को बाय करते हैं, कॉल भी और पुट भी। अपनी कैपिटल का कभी भी 5% से ज्यादा लेकिन इसमें यूज नहीं करता है। 3 तरह की स्ट्रेटजी ही ऐसी मार्केट में काम करती है, और मैं दावे से कहता हूं अगर इन 3 में से कोई एक भी आपने यूज किया होगा, सिर्फ एक, आप 100 में 100% प्रॉफिट में होंगे और बढ़िया पैसा कमा रहे। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप लोगों में से 95% से ज्यादा लोगों ने ये नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं पी पे फोकस करो, पी पे फोकस करो, पी पे करो, कोई नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है? जब बाजार बढ़ता रहेगा, राइजिंग में रहेगा, तो आप एक चीज को समझिए कि हमारा माइंड मानता ही नहीं कि बाजार गिरेगा। क्यों? क्योंकि जब राइजिंग स्टेट में मार्केट होती है तो जब गिरेगा ना तो थोड़ा सा गिर के फिर ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा गिर के फिर, तो वो एसएल हंटिंग करते हुए आगे बढ़ता है। तो इतने एसएल हंटिंग हो चुके होते हैं कि एक रिटेलर माइंड सेट मानता ही नहीं कि बाजार ऊपर, मतलब नीचे गिरेगा। राइजिंग स्टेट जब डाउन होता है मार्केट, तो काफी ज्यादा जब डाउन हो जाता है
तब एक आम आदमी को, एक रिटेलर को समझ में आता है, अरे सेल भी करना था। जैसा कि अभी आप लोग फीलिंग आ रही, 1600 पॉइंट गिरने के बाद अब फीलिंग आ रही होगी, हाँ ये तो मार्केट डाउन में भी जा सकती है। लेकिन क्या 18500 से मार्केट गिर रही थी तो डाउन दिख रहा था, सपोर्ट नहीं दिख रहे थे बहुत सारे? अभी भी बहुत सारे लोगों को सपोर्ट दिख रहा होगा, उनका दिख रहा होगा जो या तो ज्ञानचंद होंगे मार्केट में या रायचंद। मार्केट में दो तरह के देख रहे, ज्ञानचंद एक रायचंद, उनको सपोर्ट दिखता है, उनको कहिए कि पैसा लगा के जरा ट्रेड नहीं करेंगे। रीजन क्या है सर? सपोर्ट किस चीज का, कहाँ का सपोर्ट? आप सीधा बाजार से प्रश्न कीजिए कि आप बाय में आ सकते, मैं बाय करूं, मुझे नहीं चाहिए सपोर्ट। आप 20% महंगा देना है दे दो, मैं ले लूंगा। 100 का प्रोडक्ट है ना, मैं 120 पे लूंगा, लेकर 150 पे बेचूंगा, 200 पे बेचूंगा, बट 100 पे लेके मैं 50 वाला फीलिंग नहीं लूंगा। तो कैसे पता लगेगा? ये मैंने पहले ही बता रखा है, कितनी बार कहा हिलेगा मिलेगा, इलर फिशर वगैरह बाय में आ जाए तो आप लॉन्ग में जाओ, किसी ने नहीं रोका है। मुझे बहुत से आप लोगों में से क्वेश्चन किए थे, कल भी किसी ने, सर HDFC बैंक लॉन्ग हो जाओ, मॉर्निंग की बात में बता, शायद मेरे स्टूडेंट ही थे, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। तो सर सपोर्ट पे आया, मैंने कहा बाद में बात करते हैं, आप लॉन्ग में जाओ, प्रॉब्लम अभी टाइम नहीं मिल रहा है, हेल्थ इश्यू भी चल रहा है, फैमिली में खुद भी, तो समय नहीं मिल पाया, मुझे ज्यादा जवाब नहीं दे पाया, पर कहा कि मत, 2 घंटे बाद वो मैसेज कर, 3 घंटे बाद, सर आपने बचा लिया। क्या बचा लिया भाई, मार्केट तो काफी ज्यादा गिर चुका। आप लोगों में से बहुत लोगों की परेशानी है, तो ऐसी परेशानियों से बचिएगा, आशा है इमोशन को हैंडल कीजिए, थोड़ा सा चाट के रखते हैं, देखते हैं कि आप लोग। तो 3 तरह के स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, चौथे पे हाथ नहीं लगाए, क्लियर रखिए। 3 विक्स याद है, कल मैंने मैसेज किया था 22 पॉइंट समथिंग का, कितने का हाई लगाया है अभी तक? वो 21.39 का लगा दिया, कुछ सोचा था कि 24% बढ़ जाएगा, और मॉर्निंग में मैंने कहा था कि 22.39, किसी ने मैसेज भी किया कि सर इतना विक्स जाएगा, मैंने कहा भाई जाएगा या नहीं जाएगा मुझे तो खुद नहीं पता है, तो भाई तुक्का है, चल जाएगा देख लेना, नहीं चलेगा माफ कर देना, कौन जानता है कि कहां जाएगा नहीं जाएगा, आगे आसपास तो सर जो भी है सामने रहेगा ना। अब ट्रेड कैसे करना, देखते हैं क्या होगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्यों कहा था, लॉजिक जानते हैं, मैं हर चीज के पीछे लॉजिक बता देता हूँ, तुक्का तो है पर तुक्के का भी तो लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में मुझे प्रोबेबिलिटी कहना नहीं आता है, प्रोबेबिलिटी कह के आप कहीं कहीं अपने आप को धोखा देते, ट्रेडर आदमी प्रोबेबिलिटी नहीं कर सकता है, वो जानता है कि तुक्का है। अब आप देखो क्या है ना, पिछली बार जब विक्स गिरी थी हमारी ना, तो विक्स में कभी इतनी क्षमता ना हो पाई कि इस एवीवाइप को ब्रेक कर पाए, एक बार इसने कोशिश तो किया था, बहुत जोरदार कोशिश की, बुरी तरह से फेल हो गया था। तो इस बार भी हम कहेंगे विक्स को कि आओ एक बार और फेल होकर देखते हैं। तो लेवल कौन सा है देख रहे हैं, यही लॉजिक था, मैंने विक्स रेजिस्टेंस पे आप लोगों को सेल कहा, कल का मैसेज आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं, पर फिर भी अपने सेवी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा, कोई रजिस्टर्ड नहीं हो, मार्केट ने शायद रजिस्टर्ड कर रखा है, मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। यही कारण कि जब पिछली बार जो कोरोना टॉप बना, कोरोना के बाद इसकी एवरेज प्राइस आई, एवरेज मोमेंटम प्राइस तो हो गई नहीं ना, तो इस मोमेंटम की रेजिस्टेंस आपकी यहाँ पे आती है, तो यहां पे आकर हमारी जो वीक्स है एक बार रुकने का प्रयास करें, और यही होगा जहां पे ऑप्शन बायर जो होंगे भाग जाना है, और ऑप्शन बायर को बाजार को कहना है कि इसके ऊपर 2 क्लोजिंग करो, फिर बताते हैं कॉल पुट, फिर बाय करेंगे, क्या बाय करेंगे, कॉल और पुट दोनों करेंगे, सीपी दोनों करेंगे। तो आप लोगों में से कहेंगे सर कौन सा सीपी बाय करूं, तो फार ओटीएम बाय करना है, क्योंकि फार ओटीएम परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा बंद पड़ता है, नजदीक के जो ऑप्शन होते हैं वो प्राइस वाइज ज्यादा। तो जब आप सीपी की हेज करते हैं, कॉल और पुट दोनों बाय करते हैं, तो उसमें प्रीमियम गलने का खतरा काफी होता है, बट चूंकि हम विक्स हमारी राइजिंग स्टेट में है, तो इस केस में प्रीमियम डाउन नहीं होगी, और उसमें परसेंटेज वाइज जो प्रीमियम ज्यादा बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स परसेंटेज वाइज काफी कम घटेगी, जिसके कारण हमें काफी बड़ा प्रॉफिट हो सकता है।
आप लोगों ने कहीं भी सीपी बाय किया होगा किसी भी लेवल पर बैंक निफ्टी या निफ्टी में, तो आप प्रॉफिट होंगे मैं दावा इसका से, ठीक है। या फ्यूचर की हेजिंग करेंगे, फ्यूचर को शॉर्ट करते हैं और कॉल को बाय करते हैं, जो मैंने कितनी बार बता रखा है आप लोगों को, या स्प्रेड कर, ये तीन छोड़कर चौथा ट्रेड अभी आप हाथ ही मत लगाना। अगर आप लगाते हो तो गलती आपकी, दूसरी सी साइड नहीं सोचेगा कोई भी, या कोई भी आप लोग हो, चाहे टेलीग्राम से हो, चाहे मुझसे पर्सनली सीखे हो, कोई भी हो, हाथ नहीं लगाए, पैसा से प्यार है नहीं लगा, तब लगाएंगे जब प्राइस को बोलेंगे। प्राइस जिस दिन कहेगा मुझे ऊपर जाना है, हमारे कहने से नीचे नहीं जाएगा, और जिस दिन वो बोलेगा कि मुझे ऊपर जाना है, यकीन मानना आप में से 90% लोग मानोगे नहीं कि ऊपर, जैसे गिरा ना ऊपर से, मानने के लोग तैयार नहीं थे, गिर गया ना, वैसे जब उठेगा तो आप नहीं मानोगे, ऐसे ही करता है। जब 7500 से निफ्टी ऊपर उठ रही थी ना, तो कोई मानने को तैयार नहीं था बाजार ऊपर जाएगी, और मैंने जब वहां लक्ष्मण रेखा वर्ड किया था तो लोगों ने मजाक उड़ाई थी, मुझे कुछ लोगों ने पूछा भी था कि सर मार्केट कब गिरेगी, तो मैंने कहा पहला बियर मैं रख, जुलाई महीने में कह दिया था मैंने कि नवंबर दिसंबर में मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना है, बना लेना, एक बार स्टेशन पे तो आनी है ट्रेन, एक्सपीरियंस था, अनुमान लगाया मैंने कैलकुलेट करके, इतना तो ट्रिक पर आना चाहिए, आप लोग भी कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आप लोग इमोशनल हो, बस यही प्रॉब्लम है, किल करो इस इमोशन को, या तो इस इमोशन को मारो ये वरना या, और तरीका समझिए कि हमें किस मार्केट में किसका यूज करना है। ट्रेंडिंग मार्केट में तीन तरह की ही हम ट्रेड करेंगे, चौथे को हाथ मत लगो प्लीज, सलाह मानकर देखिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ तीन छोड़ के चौथे में आप हाथ लगा रखे होंगे, आपके पोर्टफोलियो में या आपके ट्रेडिंग बास्केट में ये तीन छोड़ कर चौथा ट्रेड जरूर देख लीजिएगा। हम रिटेलर है ना, वी आर रिटेलर, हम वही करते हैं जो नहीं करना था, बाकी सब साइड रखते हैं, तो ये चीजें हैं। तो पहला यही कारण, दूसरा इस पर ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। अब आते हैं जरा निफ्टी, सभी को पानी पिला रखा है इसमें, कोई डरने की बात नहीं है, याद रखिएगा मेरी एक वर्ड, जिनके पास भी पोर्टफोलियो है, जिनके पास भी स्टॉक है, अगर आप इन्वेस्टर हो रियल में तो डरो मत, पोर्टफोलियो डाउन है होने दो, निफ्टी जब गिरती है तो एक साल में वही जाती है जहां से गिर के आया है, क्यों डरते हो, इन्वेस्टर हो ना, साल दो साल होल्ड नहीं कर सकते हो आप, करेंगे ना एवरेज अपने स्टेशन पे, देखेंगे कौन स्टॉक पे कहाँ गिरा कर ले जाता है, पर डरो मत, अपने कन्विक्शन पे, अपने नॉलेज पे आप फेथ रखें, अगर फेथ नहीं रखेंगे, अगर खुद के ही नॉलेज पे आप कहाँ से पैसा कमाएं, बाजार एक रुपया आपको ना देगी, ये तो वो जगह है जहां पे आपकी नॉलेज की पैसे की फेम हिसाब टेस्टिंग दे पाएंगे, तो ठीक है इस चीज को समझिएगा, सीरियसली लीजिएगा, हम रिलैक्स में। अब आते हैं जरा निफ्टी को देखते हैं, क्या है ऐसी इसकी कहानी कि गिरता जा रहा है, हम सपोर्ट पे सपोर्ट लगाते जा रहे हैं, क्या चीजें हो रही, कभी आपने जानने का प्रयास किया, मैंने प्रत्येक चीज बताया है, मैं उसको बस रिवाउंड कर रहा हूं, बता दूं आपको, मैंने प्रत्येक चीज आप लोगों को बता रखी है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे छुपाया, और ना मैं फ्यूचर में छुपाना चाहूंगा, इस चीज को समझिए, मेरे पास अभी 43 प्लस सिस्टम, और मैं उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जानने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे बीबी ट्रैप, थ्री स्टेप, बहुत से ऐसे पैटर्न कि बाजार तो समंदर है, आप कितनी मोतियां ढूंढ पाते हैं वहां पर डिपेंड करता है, और उसके तो गहराई में उतरना होगा, तो मेरी नेचर है कि मुझे नया कुछ तलाश करना है, आप भी कोशिश कीजिए, आप भी करेंगे, तो क्या था कारण कि बाजार इतनी गिर गई, इसके पीछे लॉजिक क्या था, क्या कारण था कि यहीं से मैं चिल्ला रहा था बाजार गिर जाएगी गिर जाएगी गिर जाएगी गिर, बाय मत करना, क्या था, देखिए पहला इस पे आते हैं, लगभग नियरेस्ट ओपन हाई के बराबर, नियरेस्ट एग्जैक्ट नहीं, दूसरा 5 गैप अप रूल, बीबी ट्रैप, बीबी ट्रैप 100% नहीं है, याद रखिए, तीसरा बेरी सिंगल थिंग आप लोगों ने पढ़ा हो, कैंडलस्टिक पैटर्न, ब्लैक क्रो पढ़ा होगा, 3 ब्लैक क्रो, व्हाइट क्रो,
एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार चार चीजें चीख चीख के बता रही है मैं गिर जाऊंगा, हम उठाएंगे बाजार को। प्राइज आपसे बातें करता है, आपको सुनना ही नहीं आया, तो गलती किसकी? आप इमोशन में हो, बाजार इमोशन में नहीं है। अब भी समय है, पानी है। तो इस तरह रीड किए, अब प्राइस समझ में आ गया। आपको सिर्फ सेलिंग ट्रेड माइंड में रख लेना है, ये तीन ट्रेड लेंगे ऐसी मार्केट। अब आते हैं और चीज एनालिसिस कर। अब यहां बैंड ब्लास्ट करने जा रहा हूं, लेगमोस हो चुका है, करने जा क्या रहा है, हो चुका है, यहीं पे हो गया था। तो शायद 7 7 10 के आसपास मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने उनको मैसेज कर दिया था कि ओपन हाई बने तो शॉर्ट कर देना, ये कर देना। और बाजार कल ही की बात है, 7 10 के आसपास मैसेज किया था। और इतना बड़ा गिरावट हुआ एज एक्सपेक्टेड था कि कुछ ना कुछ तो करेगा, क्योंकि एक्सपायरी का फर्स्ट दिन था। तो ये हो गए। अब आते हैं दूसरी चीज पे, थोड़ा हायर टाइप फ्यूचर। ये वीकली चार्ट, ये क्या कर रहा है? ये 20 SMA के नीचे वीकली क्लोजिंग कर रखा है, देख रहे हैं। मंथली में आई, तो मंथली में यहां कुछ दिख रहा है? आप कहेंगे नहीं सर, यहां तो कुछ खास नहीं दिख रहा है। मैं प्राइस एनालिसिस करना सिखा रहा हूं आप लोग, सीखो करना क्या है, ट्रेंड कैसे हम आइडेंटिफाई करें सिंपल वे में। इतना से कुछ समझ में नहीं आया, कुछ क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग सीखते 100 रुपए तो जानते एक ही है, 99 भूल जाते। चलिए कुछ और करते हैं। यहाँ पे हम एलर फिशर ट्रांसफॉर्मर के इंडिकेटर का यूज करें। इंडिकेटर का यूज क्यों करेंगे, कैसे करेंगे समझिए। आप बात करो कि प्राइज एक्शन की ना, तो प्राइज एक्शन से जब तक आपका इमोशन एक्शन प्राइज एक्शन से सुपीरियर नहीं होगा, प्राइज एक्शन में भी आप ऐसे नहीं बन सकते। दैट्स द रीजन हमें इंडिकेटर्स यूज करनी होती है, चाहे वो लैगिंग हो या लीडिंग हो। लेकिन जब हम इसका यूज करते हैं तो ये मान के चलिए नीचे का 20% और ऊपर का 20% हम नहीं ले सकते। बीच का 60 में से मुश्किल से 30-40 हमारा है, तो हम रिटेलर तो 2 4 में भाग जाते हैं ना अपने लिए। तो उनको छोड़ दीजिए, हम जिस दिन इमोशन एक्शन लेना सीख जाएंगे हम प्राइस की एक्शन भी ले, ठीक है। अब समझो कि क्या क्या होगी पॉसिबल। मैंने यहाँ एक इंडिकेटर का यूज किया है, एलर्ट फिशर। ये उनके लिए है जो बाजार में बिल्कुल नए आए हैं, उनके लिए है जिनको हिलेगा मिलेगा के साथ इसका यूज कर सकते हैं। ये कहता क्या है, सिंपली समझिएगा कि इसकी जब ब्लैक लाइन जो है ये देख रहे हैं ऊपर, इसको आप ग्रीन कुछ भी कलर कर सकते हैं। कैसे बनता है, क्या बनता है, गूगल कीजिए, लॉट ऑफ चीजें। ये जब तक ऊपर रहेगी बाजार ऊपर ही जाएगा, ये रेड लाइन जब तक नीचे रहेगी बाजार ऊपर ही जाएगा। लेकिन जिस दिन रेड लाइन ब्लैक से ऊपर आ जाती है बाजार नहीं ऊपर जाएगा। लेकिन इसको जितना बड़ा टाइम फ्रेम हो उतना ही ज्यादा इसकी एक्यूरेसी होती है, वो इतना ही ज्यादा ये पावर होता है। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एक कम पावर होता है। इसके दो तीन यूजेज हैं, मैं बता रहा हूं। अब ये देखिए, ये हमारी वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये जैसे ही यहां से बैंड मुड़ गया, इसका मतलब हुआ एवरी राइज इज सेल, प्रत्येक बढ़ते हुए प्राइस को सेल, तब तक जब तक ये ब्लैक लाइन ऊपर नहीं आती है। मैं बता दूं, जब तक ये ब्लैक लाइन ऊपर नहीं आएगी मार्केट पर नहीं जाएगी। आइए इधर, अब यहां पे कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया। अभी डे टाइम फ्रेम है और ये करता क्या है कि इसकी जीरो लाइन के भी ये नीचे आ गया। तो अगर ये जीरो लाइन के नीचे आ गया तो ये और मुसीबत, जीरो लाइन के नीचे नहीं आनी चाहिए। अब जीरो लाइन के नीचे आ गया तो निगेटिव में चला गया वॉल्यूम वगैरह सब, अब ये और परेशान करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस कहीं ना कहीं धीरे 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 अपने आप को समेटने की कोशिश कर रहा है, देख रहे हैं, स्मॉलर कर रखे। अब क्या है कि अब जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, तो कभी कभी आपको ट्रैप कर सकता है। बचने का तरीका क्या है, सिंपली हम थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे, हम वो सोचेंगे जो नॉर्मल इंसान नहीं सोच रहा।
अब देखिए हमने इसमें एक एवरेज प्राइस डाल दिया है। अब इसमें कंफर्मेशन के लिए हम क्या कहेंगे कि कहेंगे भाई इसके एवरेज के ऊपर भी आप आ जाओ, जब आपको ऊपर जाना है तो इसके ऊपर भी आप आ जाओ, हम तब देखेंगे, जब डाउन ट्रेंड में आ गया तो कंफर्म कर, ठीक है। अब देखिए वीकली में भी इसको कट कर दिया एवरेज के, तो ये गिरने को तैयार है हर हाल, सिंपल ट्रेंड एनालिसिस, ये जब तक इसके ऊपर है प्राइस जाने को तैयार। प्रत्येक चीज का मैं बता रहा हूं, बट ये परफेक्ट नहीं है, याद रखिएगा, इंडिकेटर जो आप यूज कर रहे हैं ये परफेक्ट नहीं है, बस आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए इसके अलावा भी और भी चीजें यूज करनी है। अब यहां पे देखिए पिछली बार जो है हमारी प्राइस थी ये लगभग 5.6 के आसपास से बैक हुई थी, पिछली बार जो हमारी प्राइस थी लगभग इसी एरिया से बैक हुई थी, तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके इनको ऊपर ऐसे लगा देंगे, कौन से टाइम फ्रेम पे, मंथली। अब देखो क्या हो, टक टक यही कारण था कि इस बार जब बाजार गिरी तो मैंने कहा कि भाई लगाओ पोजिशनल एरिया से लक्ष्मण, कि जब यहां से तुम रिएक्शन लिए हो फिर से लिए हो और यहां से भी ले लो, दिक्कत क्या है। देखिए देख रहे हैं मतलब जब जा रहा है, एक नोटिस कर रहे हैं, तो ये चीजें हैं कि पिछली बार हुआ था तो इस बार भी होगा, यही तो प्राइजेक्शन है, पिछली बार हुआ था तो इस बार भी ये होगा, दैट्स कॉल्ड प्राइजेक्शन, उसकी स्टडी। पास्ट में जो हुआ है पास्ट की डाटा का अध्ययन करके फ्यूचर की डाटा को प्रिडिक्ट करना, तुक्का लगाना टेक्निकल एनालिसिस है, बट उस तुक्के को ट्रेड करना एक बिजनेसमैन करता है। तो तुक्का मैन से बिजनेसमैन बनने में फर्क समय लगता है, वही फर्क को कहते हैं लर्न करो स्टडी करो। तो ये चीज आप समझ गए कि क्यों व्हाई, अब डरने की बात, अब ये समझ के डर मत जाना कि भाई मार्केट में उछाल आ गया, गिर जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, मेरे पोर्टफोलियो तो ये है, मत डरो, ये उनके लिए है जो 2020 में एंटर किए थे और मार्केट में कहते थे कि थोड़े पैसे जो आना शुरू हो गया ऐसा लगने लगा, मेरे को सुना होगा आपने गाना है ना, तो वही वाली उनको है सबक सिखाने के लिए शुरू हुई है मार्केट, तो सिखा दिया जाए उनको, तो आपको घबराना नहीं है, आप रिलैक्स रहिए, फिर से आना है, फिर से सावन आएगी, थोड़ा सा कूल होने दीजिए, घबराना नहीं है, थोड़ा सा इसको ऊपर आने का वेट करते हैं एक बार। हाँ अब सवाल ये है कि हमने करना क्या है, इसको बैंड को हटा देते हैं ना, ये बाजार बार बार यहां गिरी है यहां गिरी है यहां गिरी है, तो अगली बार कहां से हम माने कि बाजार यहां तो डायरेक्ट आने से अभी रहा 13,575 जो इसका लक्ष्मण रेखा है नीचे की तरफ, क्या इसके बीच में कुछ ऐसा है जो इसको रोक सकता है, क्योंकि प्राइस कुछ ना कुछ हमें धोखा देती है, प्राइस हमें हमेशा औचित्य दिखाने की कोशिश करते हैं जो जनरल इंसान नहीं देख सकता है, और उस समय सरप्राइज करेगा जब हम हाथ पे हाथ धार बांध के बैठे रहते हैं, जब तो सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, उसके बाद बैड न्यूज आना शुरू होती है या गुड न्यूज आता है, तो उसका तरीका है कि हम वेरिएबल एवरेज का सामना करें, क्या करना है ज्यादा नहीं, जैसे 20 का एक हमारा मानक एवरेज है उसमें हम वेरिएबल। अब देखिए क्या हुआ, ये जो वेरिएबल एवरेज है वीकली की मैं बात कर रहा हूं, अभी तक प्राइस ने आज तक लगभग 10,600 के ऊपर से निकला है, कभी भी ब्रेक नहीं किया है, तो हम प्राइस को कहेंगे कि जिस दिन आपने इससे नीचे आप वीकली क्लोज करते हैं तो फिर वहीं जाएंगे स्टेशन, ठीक है, तो एक चीज आपको ढूंढना है, उस चीज को ढूंढो जो जनरल पब्लिक नहीं जानती है, उसके थिंकिंग स्किल से फार है, उसके समझ में नहीं आएगा कि सामने वाला क्या कर रहा है, आपको सरप्राइज कर देना है सामने वाले स्मार्ट मनी को। जैसा आपको पता है इस बाजार में दो तरह के पैसे हैं, स्मार्ट मनी और बैड, हम लोग बैड मनी में आते हैं, हमारे पास बहुत कम पैसे हैं, तो हम बैड से गुड तभी बनेंगे जब हमारी इंटेलिजेंस, हमारे स्किल, हमारी डिसीजन पावर इतनी बड़ी हो कि हम उस बड़े पैसे को बीट कर सकें, तो वो चीज को देखो जनरल इंसान नहीं देखा, और देखें कि हमारे पास टूल्स काफी कम है, हमारे पास बहुत बड़ी करोड़ों की सिस्टम नहीं है,
हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैन पावर नहीं, हमारे पास हम खुद हैं और हमारा माइंड ही हमारा फ्रेंड। तो आपको चीज ध्यान से देखना है बाजार में कैसे क्या चीजें हैं जिसको बाजार रिस्पेक्ट कर रही है, क्योंकि मैंने अक्सर आप लोगों को सिखाया है प्राइस अपनी एवरेज को फॉलो करती है और एवरेज अपने प्राइस को फॉलो करता है, और प्राइस और एवरेज जब आकर एक जगह मिल जाते हैं दैट्स कॉल्ड कन्वर्जेंस, और कन्वर्जेंस को कहा जाता है स्टेशन या जंक्शन, जहां पे कि एक रिटेलर ट्रेन की सवारी करता है और आता है, और जो उस जंक्शन को छोड़ देता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यही तो मैंने अक्सर आप लोगों को सिखाया है। तो इसको ए अभी हमारे पास अभी एक यहां पे बचता है, तो देखते हैं अब थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करेंगे क्या हम बैंड अब लगाएंगे, क्योंकि उस समय मैंने बैंड नहीं दी, अब देखिए है ना। तो अब यहां पे आपको एक आता है ए, यहां पे आता है एक ए, तो यहां पे जब 15,578 आता है तो आप एक चीज और आपको देखने को ट्विस्ट मिलेगा, प्रीवियस रेजिस्टेंस इज नेक्स्ट सपोर्ट। ये वो जगह है जहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 9 वीक मोर देन 2 मंथ मार्केट ने यहां पे एक्युमुलेशन किया है, और जस्ट उसके नीचे आ रहा है ना, तो यहां पे भी कहीं ना कहीं हमें एक बार रुक सकता है। मैं आपको चार्ट रीडिंग बता रहा हूं, ट्रेड क्या करना है ऑलरेडी मैंने बता रखा। अब ए कोई नहीं पूछेगा कि सर ट्रेड क्या करना है, 3 ट्रेड ही करनी है, चौथा में कोई हाथ नहीं लगाएगा। हम इन 3 ट्रेड में करते हैं ना सर, इसे हम इजिली मैनेज कर सकते हैं, अगर किसी दिन भी बाजार ने हमें धोखा दिया तो हम देख लेंगे। चौथे को आप मैनेज नहीं कर सकते हो, हेजिंग करते हो, एक बार में इंटर करो और एक ही बार में एग्जिट करो, ऐसा कभी मत करो कि प्रॉफिट के लिए बुक कर लेते हैं लॉस वाला होल्ड कर लेते हैं, यकीन मानिए जीवन आपकी लॉस। बोथ आर सिंगल ए, 4 आर सिंगल ए, ए माइंड में कर लीजिए। अभी तक आपने बस एक एक करके किया है ना, एक बाय कर लेते कॉल या पुट या कैसा करके, अब चार चार बाय करते सब एक मानिए उसको, तब कीजिए। हम लोग मैच मनाते थे ना बचपन में, मान लिया एक इतना तो मान लिया इतना ही है। तो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता हो कि कहां पे हमें एक बार प्रॉफिट तो बुक करनी है, लेकिन लास्ट यहाँ है। यहां जब आते हैं अब आपको 3 चीजें मिली, क्या 3 चीजें मिली समझ में आ गया ना, जो भी आप लोग प्राइज एक्शन वाले हैं, हमारे एबीबैप की है, प्रीवियस रेजिस्ट जो हमारी सपोर्ट है वो भी आ गया, जो बड़ी फॉल अचानक हुई थी सार, यहां पे इसको देखिएगा ए वाली ये आ गई, तो जिसके कारण ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता। 1 2 3 यहां तक, तो इसको आपको ट्रेडेबल बना, ट्रेड करना। अब आप कहेंगे तो सर कल मैं जंप लगा के पुट ले लूं, कल फ्यूचर शॉर्ट कर दूं, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। अब कहां, अभी तक कहां थे आप, 1600 पॉइंट की रन हो गई। दूसरी, मार्केट 4 फॉर्म में गिरती है, पहली अगर टॉप से गिरेगी तो 5%, 5% पे जाके सपोर्ट लेगी, 5% जाके सपोर्ट लेती है, अगर वो सपोर्ट ब्रेक कर दिया तो सीधा उसका 12% की संभावना है। बट आप कहेंगे सर 12 एग्जैक्ट जाएगा, तो मैं कहूंगा 11 से भी बैक हो सकता है, 10 से भी हो सकता है, बट 5 ब्रेक हुआ तो ये मान लेना 12 के पास पड़ जाएगी, 12 नहीं जाएगी, एग्जैक्ट उसके आस पास जाएगी। तो स्मार्ट ट्रेडर स्मार्टनेस दिखाएगा, 12 जाएगा तो 17 और 17 जाएगा तो 30। अभी तक का जो मेरा एनालिसिस है मार्केट का मैं वो आपको बता रहा हूं, मैं ऐसा कोई भी चीज आपको नहीं बता रहा हूं जो मैंने किसी व्यक्ति से छुड़ाया उठाया गूगल से उठाया आपको दे दूं, फायदा क्या है, या तो ज्ञान ना दो लेकिन दो तो ऐसी दो कि उस इंसान का भला हो, बाकी आप मेहनत करोगे भलाई करना आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है, अपना भला आप खुद कर सकते हो, मेरा काम है गाइड कर देना कि देखो ये करना है एज पर माई एक्सपीरियंस, लूजिंग एक्सपीरियंस लॉस के एक्सपीरियंस ये करता है, आप इसको बनाओ अपनी लॉस को बचा लो मेरे लॉस में कर, ये तरीका है। तो एसआरटी 1.051 मिल जाए तो मुझे लगता है दैट इज ग्रेट फॉर इन्वेस्टर, वहां से जो रॉकेट चलेगी सर पीछे मुड़ के नहीं देखेगी,
आई थिंक 23-24 के आसपास फिर ट्रेन स्टेशन पे आएगा, और लेकिन इस बार तो चलेगी, स्पीड ज्यादा नहीं होगी, धीरे धीरे चलेगी, ठीक है ना? इस बार स्पीड ज्यादा नहीं होगी। रीजन क्या है, ये रीजन क्या है? ये आपकी 2008 की चार्ट है, देख लीजिए आप, है ना? तो प्राइस क्या हुआ, तेजी से शार्प फॉल हुई। तो शार्प फॉल होगी, कभी भी मार्केट में प्राइस वाइज करेक्शन होगी तो वहां न्यूटन का थर्ड लॉ यहां भी लागू हो जाता है। वो हिंदी में कहते हैं ना, प्रत्येक क्रिया के बदले बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जिस तरह गया सीधा ऊपर गया, या कुछ ज्यादा ही ऊपर। बट अब क्या होगा कि एक बार अगर यही रजिस्टर के आया तो थोड़ा सा टाइम लिया है ना, 2-3 साल। बट यहां पे क्या करेगा, किसने ब्रेकआउट लिया है, तो ब्रेकआउट लिया है तो यहां पे इसका एक सपोर्ट जोन बन गया है, प्रीवियस रेजिस्टेंस इज नेक्स्ट सपोर्ट, तो इसके पास पास तो आना नहीं चाहिए। तो ये थोड़ा सा आएगा ऐसे 2-3 करके, फिर निकलने की कोशिश करेगा और आराम से उससे फास्ट निकलेगा, इस पर ज्यादा समय नहीं लगा। बट लोगों जब तक समझ पाओगे आपके फिर से निकलने लगा, ये भग जाएगा। इस बार ये आपको धोखा देने की तैयारी करता है, ये माइंड में रखिएगा। तो अभी शेकआउट होगा, अच्छी खासी शेकआउट होगा, लोगों को डरा देगा, ऊपर नीचे दोनों होगा, आप फंस जाओगे। लेकिन माइंड में रखना है एवरी राइज इज सेल, तब तक जब तक हिलेगा मिलेगा और एलर फिशर मेरा दोनों बाय में नहीं आ जाए। डे टाइम फ्रेम पे, डे टाइम फ्रेम को फॉलो कीजिए, कोई भी आवरली 2 आवरली को फॉलो नहीं करेगा। याद रखिएगा, डे टाइम फ्रेम पे बाय में आना चाहिए। और जब भी आपको दिखे डे में मुझे भी मैसेज कीजिए, मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा, अवेयर होकर मैं भी एक बार अपना स्तर चेक कर लूंगा। ऐसे तो मैं करता ही रहूंगा, कोशिश करूंगा आपको टाइमली मैं अपडेट कर दूं। जैसे कि जुलाई महीने मैंने अपडेट कर दिया था, नवंबर दिसंबर में भाई मार्केट एक बार डिस्काउंट में आ जाएगी, या पोर्टफोलियो देखना होगा बना। पर लोग समझते नहीं, आने के बाद पूछते रहे, सर आपको कैसे पता था? अरे मुझे कुछ नहीं पता था, सच बात है, मैंने तुक्का लगाया। एक्सपीरियंस तो कोई चीज होती है, जब आप किसी बाजार को काफी समय तक ऑब्जर्व करेंगे तो आइडिया लग जाता है ना कि हाँ ये चीज ऐसे, और इतने समय लेगा उसमें, हो सकता है 15 दिन 20 दिन आगे हो, 1 महीना आगे हो, चलेगा। लेकिन कोई जानता परफेक्ट थोड़ा ना इस बाजार में, कोई नहीं जानता। और कोई व्यक्ति कहता है कि देखो मैंने कहा था ना, तो भाई तुमने कहा था तो नेक्स्ट दिन वाला तुम ही हो जाओ। तो ये चीजें हैं, रेडी रहिए है। रेजिस्टेंस से घुमा है, थोड़ा सा कूल होने दीजिए। मुझे लगता है कि ब्लैक लाइन है ना, इसके आसपास से एवरेज कर लेगा, एयर से यहाँ पे आएगा मोमेंटम और फिर ये निकलना चाहिए। मुझे इस एरिया पे ही दिख रहा है सबको, हम यहाँ भी देख ही नहीं रहे, यहाँ तो धोखा चल रहा है, तो यहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे इसको, मंथली चार्ट है, ठीक है? बहुत गंदा हुआ है यहाँ, काफी दिनों के बाद मतलब 15,000 3,000 4,000 पॉइंट चल के यहाँ से इसको ब्रेक डाउन। तो अब देखना है कि जीरो लाइन के नीचे जैसे यहां पे जाके कर्व लिया है, इस बार भी लेगा या नहीं लेगा, मुझे बस देखना है ना? जो मोमेंट है इसका, हम इस बार मोमेंट को ट्रैक कर रहे हैं, मोमेंट का रेजिस्टेंस देखें, हम प्राइस का नहीं देखें, क्योंकि ऐसी मार्केट में मोमेंट से ही हम इसको अच्छी एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं बढ़िया से। ये जो पैटर्न बहुत गंदा है, सच बताओ तो, क्यों आप यहाँ पे देख किस तरह का बन रहा है, बहुत अच्छा नहीं है। और इसमें मैं चाहूँ तो और भी बहुत सी चीजें आपको बता सकता हूँ टेक्निकल, पर मुझे लगता है आप में से बहुत से लोग नए भी हो सकते हैं, तो कंफ्यूज ना, इतना इनफ है चीजों को समझने के लिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है? तो इसको देख लीजिएगा, जब तक ए बैक नहीं होगा बाय मत कीजिएगा। दूसरा इसमें एक और कीजिएगा, ये हो गया, ये सब सिखा दे रहा हूँ आपको। मोमेंट की ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है? ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन आप लोगों ने बहुत खेला होगा, मुझे पूरा यकीन। ये गलत है, सही बना ही नहीं, इसको हटाइए, ऊपर का ही देखेंगे, हमको ब्रेकआउट चाहिए ना। तो ए वाला थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, ये अभी और नीचे आएगा, बनता जाए तो ब्रेकआउट जब देखेंगे चेक करते, हिलेगा मिलेगा तो ये भी इसको ब्रेक करेगा ऊपर से, तो इसका भी आप लोग एक बार ख्याल जरूर रखिए। बस ये 3-4 चीजें रखिए, मैं अपडेट करता रहूंगा आप लोगों को, मैं आपके साथ बना रहूंगा, कोई दिक्कत की डरने की बात नहीं।
डरना क्या, जो कोरोना काल में डरे ही नहीं तो क्या डर। बट हाँ इस पर थोड़ा सा टाइम ले, घबराइएगा मत। बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जिस गिरावट में भी बढ़ेगा, अच्छे खासे बढ़ेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और बहुत से स्टॉक हैं जो इस बार थोड़ा टाइम लेगा, और देखिए मार्केट में बहुत से स्टॉक 5-5 गुना 10-10 गुना हुए हैं, तो राइट बनता है उनका 25-30% डाउन होने का, तो होने दीजिए, वो अच्छी बात है, हेल्दी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आप ट्रेडर हो फ्यूचर का या ऑप्शन का, तो बढ़ते हुए विक्स में ऑप्शन की शॉर्ट सिर्फ विक्स रेजिस्टेंस के पास ही करते हैं, बीच में करना गुनाह होता है, उसकी पनिशमेंट होती है। यही कारण था कि कल मैंने कहा 22.83 के पास अगर मिलता है तो एक बार आप सेल कर सकते हो, सेलर एक्टिव हो जाए, टाइम ट्रैक सेलर भी एक्टिव हो जाए, बीच में कुछ मत करना। लॉजिक क्या था, रेजिस्टेंस पे आ रहे तो विक्स को बीच में, लेकिन अगर आप लोगों में किसी ने भी कर दिया होगा कल मॉर्निंग में सेलिंग, कॉल भी किया होगा तो नहीं घटा होगा प्रीमियम, 24% विक्स बढ़ा है, क्या घटेगा? आपके डेल्टा थीटा गामा सब वही रह जाएगा देखता हुआ, तो प्रीमियम कॉल 300 पे सेल किया, 350 बैठा हुआ कॉल ही, आप टेंशन में जी रहे, अरे भाई मार्केट तो गिर गया, मेरा कॉल भी बढ़ गया, ये कहां से हो गया? अरे होगा नहीं, विक्स अंकल बैठ के हम लोगों को दुखी कर रखते हैं, 25% बढ़ा है विक्स, मजाक चल रहा है बाजार में। तो प्रैक्टिकल चीजें पढ़िए, थ्योरेटिकल ज्ञान मोह माया है, कोई फायदा नहीं, सारे उम्र भी गुजर जाती है लोगों की इस बाजार में प्रॉफिटेबल बनने में, नहीं हो पाए। तो आशा है आप लोग मुझे सीरियसली लेंगे, नहीं लेंगे तो बाजार आज ने कल आपको सीरियस कर ही दे, ठीक है? तो समझिए मेरी बात को ध्यान से, बढ़ते हुए राइजिंग विक्स में सिर्फ विक्स रेजिस्टेंस के पास ही ऑप्शन की सेलिंग करेंगे, राइजिंग विक्स में जब ना चले अकल को करो नकल, कॉल पुट दोनों बाय कर लो। जब कॉल पुट दोनों बाय कर रहे हैं तो प्राइस सेम रखिएगा, एक साइड कॉल 200 का तो पुट भी 200 का, 400 हो गए, कॉल 100 रुपए का तो पुट भी 100 रुपए का। जहां विक्स डाउन होने लगे तुरंत कॉल पुट स्प्रेड बना दीजिए दोनों साइड से। मान लीजिए कि निफ्टी हमारी चल रही है 17,000, आपने क्या किया कि 17,500 की कॉल 17,500 की बाय कर ली, और नीचे 16,500 का आपने पुट बाय कर रखा, मंथली एक्सपायरी, वीकली में हाथ लगाए तो फिर भगवान बड़ा नहीं करेंगे आपको, याद रखिएगा पैसे डूब जाने, मैंने भी डूबा है आपके भी डूबे, 500-500 पॉइंट आपने अप डाउन की कॉल पुट दोनों बाय, मंथली एक्सपायरी, विक्स डाउन होने लगे, विक्स के चार्ट बस लगा, आपने क्या किया तुरंत इमीडिएट बेसिस पे क्या कीजिएगा, 18,000 की कॉल और नीचे 16,000 की पुट शॉर्ट भी कर दी, बोथ साइड स्प्रेड। तो क्या हुआ कि विक्स जब डाउन हुआ तो प्रीमियम बचा लिए, विक्स जैसे ही अप ट्रेंड में गया फिर दोनों का बेच के निकल गए, जो आपने सेल किया था बुक कर लिया दोनों का प्रॉफिट, बैठे हुए कॉल पुट में पूरा महीना हमारे पास, मजे लो बाजार का। स्मार्टनेस दिखाइएगा, एक आदमी रेशियो बना ली एक साइड, आसान है, मुश्किल नहीं, मुश्किल रास्ता हम चुनते हैं क्योंकि हमें आसान चीज पसंद नहीं। ट्राई करके देखिए, फ्यूचर हेज बनाए, फ्यूचर को शॉर्ट कर दिए, कॉल को बाय कर लिए 70% का, क्या कर लेगा बाजार देखेंगे। ये सब माइंडसेट नहीं करेंगे कैसे पैसा बनेगा आप, ये मैं बता रहा हूं, ये तीन चीजें छोड़ के चौथा आपने जरूर किया तीन छोड़कर एक अच्छा रिटेलर वही होता है जो जो कर रहा है वो नहीं करेगा बाकी सब। ये गुड रिटेलर की डेफिनेशन मेरे लैंग्वेज में ही है कि जो उस समय की मार्केट में करना है आप नहीं करोगे बाकी सब करोगे। जैसे स्टॉक है, स्टॉक में कॉल पुट दोनों बाय कर लो, डाउन ट्रेंड विक्स है कॉल पुट दोनों शॉर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई तो करके देखो, दो लॉट एक लॉट चार लॉट, आप फालतू का कर लेंगे फंस जाएंगे ना। मुझे कम से कम 50-60 में सर मैंने कॉल पुट दोनों शॉर्ट कर दी, आप क्या करेंगे कर? इनको तो ये भी नहीं पता है कि कॉल की प्रीमियम ना घटे की पुट के तो कितनी होगी तुम्हें तो पता लगता नहीं है। तो ये सब चीजें समझिए, अब कर देखिए क्या होगा, क्या कहें हम, आप लोग हमारे जैसे लोग हैं, रिटेलर हैं, इस चीज को समझिए। अब 17 का विक्स है ना, तो देखो कहानी क्या होगी। ये हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी को ही हम देख लेते हैं, ठीक है, 37,000 के ना, ये हमारे 37,000 की कॉल है, ठीक है, कितना चल रहा है 825, ठीक है, आपने यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं किया, 825 का इसे ले लीजिए और नीचे के पुट देख लेते,
37,000 का नहीं लेंगे हम यहाँ पे, 37,500 तो फिर एटीएम हो जाएगा ना। कितना प्राइस है? 589। अब इस सब नीचे आते हैं, सिक्स नाइन फाइव और 584 दोनों को सॉर्ट कर दें। विक्स बढ़ाना, अब देखिए क्या क्यों आप ओटीएम कर लो शॉर्ट, कुछ भी सेलिंग करना ही नहीं है। आप अब जरा कॉल पुट दोनों बाय कर ले, स्थिति कुछ और होती। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, लेकिन उसमें फार ओटीएम कीजिएगा, छोटे बड़े वाले मत कर लीजिएगा। 500-500 रुपए दिन की प्रीमियम है, 100-150 वाले करना है, उसमें परसेंटेज वाइज काफी ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, स्प्रेड बना लीजिए, मार्केट गिर रही पुट साइड में स्प्रेड बना लीजिए, एक पुट को बाय किए 500 पॉइंट नीचे का सेल कर दिए। सिंपली स्प्रेड बनाएंगे तो स्प्रेड में एडजस्टमेंट करने की पूरी संभावना होती है, लेकिन नेकेड में आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर ये सब चीजें आप करते हैं आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी, ओपन हाई बनता है। देखिए ओपन प्राइस बराबर हाई प्राइस, तो जिस ऑप्शन में ओपन प्राइस बराबर हाई प्राइस बन जाए उसको फोक दो। बीबा कैसल मान 10 ट्रेड में 7 तो आपको सही जाने हैं, 3 में माइनर सब फी लगेगा चाहे ना भी लगे, क्योंकि तो नीचे जाके लगता है। ओपन हाई जिस ऑप्शन में बने ना उसे पकड़ के सेल कर दो। अच्छा भी आपने ओपन हाई बनाया है, ओपन प्राइस बराबर हाई प्राइस, ओपन प्राइस 1075.6 तो हाई प्राइस उसकी कितनी 1075.6। तो ओपन हाई बनाए हो तो इनविटेशन चाहिए क्या सेल को? ए वाली फीलिंग लाइए आप लोग ना, सेलर हो ना, करो ओपन हाई को सेल। किसने रोका है? तो कहेंगे सर मैं बायर वालों को, भाई उल्टा जाओ ना, ओपन लोगों को पकड़ो। कुछ लोग कहते हैं मैं नेकेड सर करता हूं, मुझे तो दूसरा समझ में नहीं आता, मेरे पास 25,000 है, 50,000 रुपए है, 1,00,000 है। अरे भाई 25, 50, 1,00,000 के लिए मार्केट बना ही नहीं है, पहली बात को समझिए, ये बिजनेसमैन का बिजनेस है। तो आप ओपन लो का यूज कर लो कम से कम स्प्रेड के साथ, आपको फायदा हो जाएगा। ऐसे बहुत सी चीजें कितना जानेंगे, एक को समझ लीजिए, थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए, इस बाजार को कर लीजिएगा। नहीं टाइम देंगे तो फिर यकीन मानिए आपका जब टाइम खत्म हो जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, बड़ा अफसोस है। और स्टॉक मार्केट का अफसोस बड़ा बुरा होता है, बुरा अनुभव है, मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ भी मत कीजिए। ठीक है, इतना काफी है, ज्यादा ज्ञान देने से और कंफ्यूज करें। ठीक है, तो सेवा समाप्त की जाए, 2-4 क्वेश्चन मैं आपसे ले लेता हूँ और उसके बाद आप लोगों को छोड़ देंगे, एक दो लोगों से ही लूंगा, मैं ज्यादा नहीं ले पाऊँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा हेल्थ इश्यू भी है मेरे साथ और मैं ज्यादा बोलने में स्थिति में। रजनीश कुशवाहा जी, आपका शायद कुछ क्वेश्चन है क्या? आपने हैंडराइज कर रखा है। गुरु जी प्रणाम। जी जी प्रणाम प्रणाम, आपको वीडियो ऑन कीजिए पहले, तो फेस टू फेस हम लोग बात कर ले। कैसे हैं? बढ़िया है गुरु जी। बढ़िया है ना, बहुत बहुत चलिए। और कहिए क्या चल रहा है, कुछ परेशानी आ रही है ना? हाँ सर, परेशानी तो आ रही है। और परेशानी बहुत आ रही है, मानने को तैयारी नहीं हो कि बाजार गिरेगा, और आप लेते जा रहे हैं कॉल पे कॉल ले रहे हैं ना? हाँ सर। अच्छा। बिल्कुल, जैसा जैसा बताया वैसे वैसे ही चल रहा है। आज एक क्लास का मतलब क्या था रखने का आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं समझ गया कि भाई हमारे दोस्तों के खेमे में कुछ हलचल है, उन्हें जाकर समय पे समझाओ, नहीं तो फिर मार्केट उनका समय उनसे छीन लेगा, बहुत मुश्किल में आ जाए। आपका माइंड ही कॉल पे जा रहा हो। हाँ सर। और लग रहा हो कि अब उठ जाएगी, अब उठ, क्योंकि मार्केट जब 7,500 से ऊपर उठी है ना, तो नीचे गिरा ही नहीं, तो हम रिटेलर की माइंडसेट ही बदल दिया कि अब गिरेगा। हाँ, समझ रहे? तो इसके कारण ना हम बार बार कॉल, और कॉल में हमें अपोजिट जाने में थ्रिल ही मिलता है बहुत ज्यादा, हमारा माइंडसेट ऐसा बना ही है। जैसे जब बाजार 7,500 से ऊपर उठ रही थी तो आप लगातार पुट ले रहे थे, यकीन मानिए 13-14,000 तक आपने पुट ले लिया होगा। और मुझे तो कुछ ऐसे ऐसे स्टूडेंट मिले जो 9,500-600 पे निफ्टी को शॉर्ट करके रोल ओवर कर रहे थे,
और उनके वो अपने सौदे 15,000 पे जाकर काटे 15, और वहीं से मार्केट गिरना शुरू, और वहां से लॉन्ग हुए, लॉन्ग भी नहीं हुए वो 17,500-17,700 पे लॉन्ग हुए, और अब वो मानने को तैयार नहीं कि बाजार गिरे। ये होता है सर, ह्यूमन नेचर है। मैंने इसलिए कहा ना कि आप प्राइस एक्शन सीखते हो उससे पहले इमोशनल एक्शन सीखो, लेकिन यहाँ क्या है कि इमोशनल एक्शन अंडररेटेड है, प्राइस एक्शन ओवररेटेड। इस चीज को हम नहीं समझ पाते हैं, वी आर रिटेलर और हमारे पास कम पैसा, कम संसाधन, कम रिसोर्सेज और कम इस पूरे फील्ड को जीतना है, तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों जाते हैं? नहीं जाएंगे, और जाना भी है। तीन तरह की मैंने हेज बताई है, करके तो देखो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा बाजार, लर्निंग फी लेगा माइनर साइड, लेकिन मेरा क्या लेगा, पूरी दुनिया के लिए उनका लेगा जो जहाज पे बैठे हैं, ट्राई करके देखिए। लेकिन आप ये नहीं करेंगे ना सर, इस तीन के अलावा चौथी कोई भी ट्रेड में आप सक्सेस इस बाजार में नहीं कर सकते हैं। जस्ट टू ट्राई, कैश में कर सकते हैं, बट कैश में लॉट ऑफ चार्ट रीडिंग आपको आनी चाहिए, काफी एक्सपीरियंस चाहिए। तो कौन सा ट्रेड किया है, पूछिए क्वेश्चन सर। गुरुजी पावर ग्रिड में देखिएगा डेली चार्ट में बीबी ट्रैप बना है, बीबी ट्रैप तो वक्तों में बना होगा, जब निफ्टी में बना है तो ऐसा उसी तो में ट्रेड लिया हूं, लेकिन कुछ दिक्कत आ रही है, दो दिन से रुका हुआ है अभी। ये बीबी ट्रैप कंफर्म नहीं है, लेकिन एक चीज पावर ग्रिड में मैं आपको बता दूं, इस चार्ट को देख के यहाँ पे पिछली बार ओपन हाई बना था अप्रोक्स 100% नहीं, दूसरी ये रेजिस्टेंस है ना, तो पावर ग्रिड को अब इस जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी तब तक ये पावर ग्रिड नीचे जाएगी, लेकिन बीबी ट्रैप वैलिड होने के लिए इस लाइन के नीचे 201 के नीचे एक बढ़िया वाली क्लोजिंग चाहिए, तो उसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग चाहिए तो सीधा गिर जाएगा, ऐसे गिरेगा और यहां तक पहुंच जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट नहीं, 8-10 पॉइंट गिरावट, क्योंकि ये प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट है अब इसके लिए। हाँ, और प्ले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट का काम करेगा, प्रीवियस रेजिस्टेंस इज नेक्स्ट सपोर्ट, ठीक है ना। तो ये ऊपर अभी नहीं जाएगी, लाइन कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन एक ले लीजिएगा, और मैं कहता हूँ ये कि जिसमें इतनी छोटी सी प्राइस टारगेट है उसमें ट्रेड ही मत कीजिए ना, दूसरे में चले जाइए, ठीक है ना। इसमें बहुत छोटा सा प्राइस टारगेट है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें अभी ट्रेड करनी चाहिए, फॉर्मेशन उतना बढ़िया नहीं, बहुत अच्छे अच्छे शेयर हैं जिसमें कि आपको बड़े बड़े टारगेट मिल सकते हैं, और अभी के टाइम में तो इंडेक्स में जाइए ना, सबसे ज्यादा थ्रिल तो वहां है, पैसा भी वहां है। तो करना पावर ग्रिड में ही है, नहीं करना है देखा था हम, करना है तो पावर ग्रिड को बोल दीजिए, इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगी पावर ग्रिड नहीं जाए, ठीक है। बस मिलने की आपसे इच्छा है सर। नहीं सर, हम लोग जरूर मिलेंगे सर, मिलना तो हमें भी आप लोगों से, बट अभी थोड़ी सी परेशानी है हेल्थ के कारण, तो हमने ऐसे तो 6 तारीख से मैंने मिलने के लिए कहा है कि आप लोग जो भी है मिलने के लिए आ सकते हैं सर। कुछ नए लोगों को भी सर ज्वाइन करने के लिए लाइव करिए, मैं यूट्यूब के माध्यम से ही आप लोगों तक जुड़ने का प्रयास करूंगा, मैक्सिमम देने का करूंगा सर। और एक चीज आप लोग मैक्सिमम सीखिए, और यूट्यूब पे मैंने जितनी दी है या ऐसे मेरे वीडियो वगैरह तो पास नहीं पाएंगे ना, जितनी बता रहा हूँ उतना तो कर लीजिए, जैसे आज की क्लास में जो मैंने बताया इतना ही कर लीजिए ना, ठीक है। ओके थैंक यू सर। अब इनका क्वेश्चन है श्रेष्ठा अग्निहोत्र, क्या क्वेश्चन है आपका सर? मेरे क्वेश्चन है जी, जब जी। आप जो चार्ट दिखा रहे थे सर, वीडियो ऑन कर लीजिए सर, वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए, तो हम लोग एक सर उसमें एक ब्लैक लाइन थी, कौन सी थी, एरर थी सर? यस सर, चार्ट में एक नीचे डाउनवर्ड्स में ब्लैक लाइन थी, ये वाली, यस सर, डाउन डाउन में ये ना, इस सर बी बोलिंगर बैंड के नीचे ए सर, सर प्राइस 155 वाली कहाँ पे है, यहाँ पे तो अभी नहीं है कोई ब्लैक लाइन, ये एबी वेब का, यस सर एबी वेब का सर, ये मुझसे बनानी नहीं आ रही है, ये बनाने की आप नहीं बनाइए ना इसको, इसको मार्केट को बनाने दीजिए, आप बस जगह पे ले आकर लगा दीजिए ना सिंपली, आपको नहीं बनाना है, आपको जहां से भी उसका एवरेज लेना हो, प्राइस का, मोमेंटम का,
वहां पर उसको लगा दीजिए, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं, आपको जहां से दिखता है कि मुझे इसका इस लेवल का एवरेज चाहिए वहां लगा दीजिए। मैंने लास्ट पे भी लगाया है रिसेंट कोरोना गिरावट पे। रीजन क्या है कि इस बार जो गिरावट है सेकआउट, तो सेकआउट के टाइम पे आपको ऐसी जगह का एवरेज लेना है ना जहां तोड़ने में मार्केट को काफी कठिनाई। ओके सर, मैं चाहता तो यहाँ लगा देता, यहाँ लगा देता, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा एक्सपीरियंस ने कहा कि नहीं यहाँ नहीं लगाओ, फंस जाओगे। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि हम वहां लगाए जहां पे कि पंटर का जहाज डूब, ठीक है ना? ओके सर, पंटर में से स्मार्ट। ओके सर, सर एक और चीज थी जो आप कोर्स कराते हैं सर, मेरे को वो कोर्स ज्वाइन करना है सर। वो मैंने क्लोज कर दिया कोर्स वगैरह, आप आने वाले मुझे नहीं लगता कि समय में कब होगा, मुझे भी नहीं पता है, वो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है और बहुत एनर्जी जाता है, और जो पुराने मेरे जो स्टूडेंट हैं उन्हीं में मैं परेशान रहता हूँ क्योंकि उनको जवाब देना, समझाना, ये करना तो संभव नहीं हो पाता है। तो अगर फ्यूचर में कभी होगा तो मैं जरूर अपडेट करूंगा, लेकिन आप यूट्यूब के माध्यम से सीखिए, मैं लॉट ऑफ चीजें बताऊंगा। मुझे नहीं लगता कि आप सकता, आप लोगों किसी को इस चीज को समझिए, और ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश करूंगा कि भाई उनको एक बताओ, आप में से जितने लोगों से सभी के सभी आगे बढ़ सकते हैं। मेहनत तो कीजिए, करना तो आपको पड़ेगा। मैं बता भी अभी तक जितनी चीजें मैंने दी है, मैं समझता हूँ उसको अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते तो मुझे आज की एक क्लास लेने की आप लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती। यस सर, ये जो आपने जो चार्ट अभी हमें बनवाया है सर, ये चार्ट हिलेगा मिलेगा के साथ ही वर्क करेगा? नहीं, वर्क तो ऐसा भी करेगा, लेकिन हिलेगा मिलेगा के साथ करेंगे तो जो अभी की मार्केट है इसको हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। जो अभी आप लोग सपोर्ट सपोर्ट खेल रहे हो ना, ये सपोर्ट लगा देते हैं, वो सपोर्ट लगा देते हैं, नहीं लगाओ, ये तब लगाएंगे जिस दिन हिलेगा मिलेगा बाय में आएगा, इसे भी देखे, ये उससे पहले आए। ओके सर, उसके डे चार्ट पे हिलेगा मिलेगा में आएगा तो 2-3 घंटे के चार्ट में आ चुका होगा, तो आपको वहां डिसीजन लेनी है, ये डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेगा। तो वहां पे कौन सी ट्रेड करेंगे? वहां पे फ्यूचर हेज की ट्रेड करेंगे और वहां भी स्प्रेड का ट्रेड करेंगे लॉन्ग साइड। नेकेड तभी जाना है जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास या सपोर्ट के पास खड़ा हो और वहां एक माइनर सा एसएल हो, तभी हम नेकेड ट्रेड करते, अन्यथा बीच में कोई भी नेकेड नहीं जाना, नहीं तो अकाउंट नेकेड होने में ज्यादा समय नहीं। क्लियर है सर? सर एक और चीज थी सर, हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे करें अपना, उस पे मैं एक अलग से वीडियो वगैरह बनाऊंगा, लंबा क्वेश्चन है आपका सर, आपके आपके साथ और करना है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है? तो मैं उस पर भी एक बढ़िया सा वीडियो बनाऊंगा समय लेकर, और सीखिएगा। ऐसे देखिए बाजार में बहुत से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के रिगार्ड में आप जाएंगे, लॉट ऑफ कंटेंट भरे पड़े हैं, तो आप कहीं से yes, है ना, ऐसा थोड़ी ना कि हम ही बताएंगे तो होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हम ही बताएंगे तो होगा, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि शायद हो जाए, है ना yes, लेकिन बाजार में बहुत से ऐसे लोग भरे पड़े एक्सपर्ट जो आपको गाइड करेंगे, समझाएंगे पोर्टफोलियो मैनेज ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, आप एक बार देख लीजिए। नहीं होगा तो मैं अपने तरफ से वीडियो वगैरह बनाकर, सर आप जो बता रहे हैं सर वो बिल्कुल सही जाता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है मैं सही बताता, मैं जो बताता हूँ वो दिल से बताता हूँ, दिमाग से नहीं बताता हूँ, मैं ये सोच के नहीं बताता हूँ कि मैं आपको इतना बताता हूँ, मेरे पास क्लास में आना तो पूरी बताओ, मुझे नहीं सर। आपके आपकी वजह से सर हमारा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ जब हम आपका लगाते हैं तो। देखिए सर, मैं बच्चों आप लोगों को जो भी बता रहा हूँ वो यही बता रहा हूँ जो काम करता है बाजार में, जो काम नहीं करेगा बिल्कुल नहीं मुझे बताना है, ठीक है? अगर मेरी कुछ भी बताई चीजें से आप लोगों का लॉस हो रहा है ना, तो मैं बता दूंगा अपनी स्टोरी कि मैं रोज ऊपर वाले से कहता हूँ अगर किसी का लॉस हो सकता है तो मेरा करवा देना, मैं अपना कवर कर सकता हूँ, बट वो सामने वाला जो मेरे फेथ पे कुछ किया है उसका लॉस होगा ना तो मुझे बड़ा पेन होगा, क्योंकि वो कवर नहीं कर पाएगा, वो मोरल सपोर्ट उसका टूट जाए, तो ये मेरी फीलिंग है। और मैं ये सोचकर कोशिश करता रहता हूँ टाइमली जो भी हो सकता है, मैं अपडेट करता रहता हूँ भाई ये कर लो वो कर लो, बट लोग नहीं सुनते हैं ना। अब आज मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, क्यों होनी पड़ी, मैं समझ गया कि ये मेरे स्टूडेंट नालायक, वो ये 3 छोड़ के चौथा कर ही रहे होंगे, मुझे पूरा यकीन था, मुझे खुद से ज्यादा उन पर यकीन रखता। तो आप खुद देख लीजिए अपनी कि क्या आपने किया है, तो नहीं करना ऐसी बात। जहां विक्स राइजिंग हो, जब विक्स पर डे 8% 10% के ऊपर नीचे मोमेंटम होने लगे, वहां पे 3 चीजें करनी, चौथी नहीं करनी, काम खत्म। अब 3 में से कोई भी करेंगे हम फेल भी हो जाएंगे, तो इसको एडजस्ट कर लेंगे इजिली ना, या माइनर yes, सर। लेकिन यहां पे कोई जाकर रेशियो कर, यहां पे डबल डायगोनल कर, डबल डायगोनल कैलेंडर कर ले, अरे तो सुसाइड कर रहे हो यार, तुम मारे जाओगे फ्री में, तो नहीं करना है, ठीक है? चलिए मिलते हैं okay, तो मैं
आप लोगों तक तो पहुंचा दूंगा वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा। यस सर। ओके आप लोग नमस्ते सर। नमस्कार।